सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक रैना। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये प्रेस वार्ता जम्मू के विद्यार्थियों द्वारा रखी गई है। जिस प्रकार की वो तानाशाही लगातार करते आ रहे हैं, उसके खिलाफ मजबूर हो गया विद्यार्थियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। जिस प्रकार आपको पता है, पिछले 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले हमने अपनी डिग्री को लेकर भी मीडिया का सहारा लिया था, क्योंकि मीडिया की बहुत अहम भूमिका है और समाज में इस प्रकार से विद्यार्थी आपका साथ लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नकेल कसना चाहता है कि जिस प्रकार से उन्होंने विद्यार्थियों को लगातार गहरा संघर्ष करने में मजबूर किया। हमें हफ्ता डेढ़ एडमिशन अपनी डिग्री को लेकर लड़ना पड़ा, उसके बाद हमें डिग्री मिली। फरवरी के महीने में विद्यार्थी पेपर देते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर की, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाता। पीजी के लिए अप्लाई करना है, उनको डिले पे डिले किया जा रहा है, इसकी कड़े शब्दों में विद्यार्थी निंदा करता है। उसके बाद जो इनको फंडिंग हो रही है सेंटर से, उसका ये उपयोग क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे, जिस कारण से यहाँ पे एडमिशन को बढ़ोतरी की जगह ये कम किया जा रहा है एडमिशन, जबकि पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए 6,000 प्लस एडमिशनें हर साल हो रही हैं। लेकिन क्या वजह रही है क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, जो 2021 और 22 के सेशन में ये एडमिशन 1,000 कर रही हैं? क्या वजह रही है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट नहीं कर पाए? क्या या इनके पास स्टाफ नहीं है, या इनके पास वो मटेरियल नहीं है जो विद्यार्थियों को प्रोवाइड होना चाहिए? यूनिवर्सिटी किस नाम की चला रहे हैं? दिन ब दिन यूनिवर्सिटी राइज करती है, आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन आप देख सकते हो ये यूनिवर्सिटी घट रही है, जबकि इसका 17 और 18 का डाटा देखा जाए 6,260 एडमिशन हुई है, जब 17-18 में, 18-19 में देखा जाए 6,000 प्लस एडमिशन हुई है, 19-20 में देखा जाए 58 एडमिशन हुई है, 20-21 में देखा जाए 4,700 एडमिशन हुई है। तो 21-22 में क्या बीमारी पड़ गई है इनको 1,000 एडमिशन करने की? इसकी कड़े शब्दों में विद्यार्थी निंदा करते हैं, इनको विद्यार्थियों का रोष का प्रकट करते हुए इनको सीधे सीधे मांग यही करता है विद्यार्थी लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय एलजी साहब से कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, अन्यथा यहाँ पे हमें विद्यार्थियों को रोडों पे देखेंगे और प्रदर्शन करते दिखेंगे आपको विद्यार्थी, ना कि कॉलेजेस। जिस प्रकार से आपको पता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी लग गई हैं, लेकिन विद्यार्थियों की अगर मांग नहीं सुनी जाएगी, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में क्या बैठेंगे? वो तो सड़कों पर निकलेंगे अपनी मांग को लेकर। इसकी कड़े शब्दों पर विद्यार्थी माननीय वाइस चांसलर बच्चन लाल जी से भी अपील करता है, ऐसे प्रशासन के खिलाफ नकेल कसी जाए और विद्यार्थियों की एडमिशन का प्रोसीजर बढ़ाया जाए। जैसे पिछले 4 साल का जो रिकॉर्ड रहा हुआ उसमें एडमिशन जिस प्रकार चलती रही है, उस प्रकार एडमिशन को चलाया जा रहा था, विद्यार्थी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। धन्यवाद सर। से ये स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खोलने का पहले किया गया है, क्या लगता है कि कोविड की वजह से क्या वैक्सीन सारी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी वजह से ये बोल रहे हैं? देखिए, लगभग ज़्यादातर लोगों को 2-2 डोजे लग चुकी हैं, नहीं तो जिसको नहीं लगी तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वैक्सीन का मुहैया कराई जा रही है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसको नहीं लगी वो लगाया जाए। और लगाने के बाद अगर आप कॉलेजेस खोल रहे हो लेकिन वो डिमांड ही नहीं आएगा स्टूडेंट्स को मार रहे हो, तो स्टूडेंट्स क्या करने आएगा? अगर आप बताओ 30,000 से 35,000 विद्यार्थी एट प्रेजेंट क्लस्टर यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और आप 1,000 बच्चे की मांग कर रहे हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो गया आपके पास? किस लिए बैठे हो आप? ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए बैकवर्ड एरियाज में, जहाँ यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, ऐसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी को वहाँ भेजा जाए और इसको जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर किया जाए, जैसे बाय एनुअल सिस्टम के तहत सेमेस्टर सिस्टम को खत्म किया जाए। यही मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।